डियर फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। 11th-12th स्टैंडर्ड के में भी फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं। उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। देन उसके बाद अगर आप BSc में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पर एक टॉपिक आज लेंगे, जिसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है, किसी मेटल की प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्ध्य, यानी ये एक थ्रेसोल्ड वेवलेंथ हो गई, उसकी वैल्यू दे रखी है 2300 एंगस्ट्रम है। यदि इस मेटल पर 1800 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण आपतित हो, इंसिडेंट हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनकी एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला अपने को याद रखना है, दैट इज़ 1/2 mv², ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो गई, इज इक्वल टू h(v - v₀). ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दें, जो मैंने आपको अपने क्वांटम मैकेनिक्स के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के वीडियो में डिस्कस करी थी। यहाँ हम v = c/λ पुट कर दें, तो यहाँ पर v = c/λ - v₀ की जगह हम c/λ₀ लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1/2 mv² की जगह हम ई साइन दे दें, दैट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc(λ₀ - λ₀)/λ₀ में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में आपको जो वैल्यू दी गई है वो एक है λ₀, ये जो है अपने को थ्रेसोल्ड वेवलेंथ जो दे रखी है वो, उसको हमने यहाँ λ₀ से शो किया है, और इसकी वैल्यू अपने को 2300 एंगस्ट्रम यहाँ दे रखी है। इसी तरह से सेकंड जो वैल्यू जो है वो है लैम्डा की। इस इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अपने को 1800 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ दे रखी है, तो लैम्डा होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1800 एंगस्ट्रम। अकॉर्डिंग टू इस फार्मूला अपने को एक वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट सी चाहिए। सी अपने हैं 3×10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एच जो प्लैंक कॉन्स्टेंट है, इसके वैल्यू 6.62×10⁻²⁷ आर्क सेकेंड होती है। यहाँ पर एक अपने को कन्वर्जन याद रखना है, एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर और 10⁻¹⁰ मीटर होता है। तो अगर हमने यहाँ पे आगे h की वैल्यू आर्क सेकेंड में, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिया है, तो इस जो वेवलेंथ है उसमें हम एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2300×10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। इसी तरह से 1800 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1800×10⁻¹⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो E इज इक्वल टू 6.62×10⁻²⁷, 3×10⁻¹⁰, और ये जो वेवलेंथ है उन दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पावर को कॉमन ले लिया और इस वेवलेंथ को हमने यहाँ पर शो कर दिया 2300-1800 डिवाइड बाय ये वेवलेंथ की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1800×10⁻¹⁸ सेंटीमीटर इंटू 2300×10⁻¹⁸ सेंटीमीटर। साथ ही हमने यहाँ इनकी यूनिट्स भी शो कर दी है, प्लैंक कांस्टेंट की आर्क सेकंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये वेवलेंथ को सेंटीमीटर में। इसी तरह से यहाँ वेवलेंथ सेंटीमीटर में और ये दूसरी वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में। यहाँ इन यूनिट्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो सिर्फ अपने पास जो यूनिट बचेगी वो रहेगी अर्ग। तो जो आंसर आएगा एनर्जी का वो अर्ग यूनिट में आंसर आ जाएगा।
अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो अगर हम यहाँ सबसे पहले पावर्स को सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर अपने पास में ये माइनस वाली पावर्स को ऐड कर दें और उसमें से पॉजिटिव 10 को जो है वो लेस कर दें, तो अपने पास ऊपर 10^-25 रिमेनिंग हो जाएगी और नीचे जो है पावर 10^-16 हो जाएगी। ये इन वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो जो आंसर आता है वो आता है 2.39 × 10^-12 अर्ग, और इसी 2.39 को हम लिख सकते हैं 2.40 × 10^-12 अर्ग। ये जो वैल्यू है एनर्जी की हम शो कर सकते हैं इन द यूनिट्स ऑफ अर्ग। सिमिलरली एक कन्वर्जन और अपने को यहाँ याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-12 अर्ग होता है। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर अर्ग में आई है हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस अर्ग की वैल्यू में हम इसको इस जो है फैक्टर से हम डिवाइड कर दें, 2.40 × 10^-12 को डिवाइड कर दें 1.6 × 10^-12 से, तो जो वैल्यू आएगी वो एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है, अपन से यहाँ एनर्जी को कैलकुलेट कराया जा सकता है। इसी तरह से एक सेकेंड प्रॉब्लम भी हम यहाँ डिस्कस कर लें, वो है एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, एक मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, दहली तरंग धैर्य का मान ज्ञात करो। यहाँ पे ऑलरेडी अपने को ये वैल्यू दे रखी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-12 अर्ग होता है। अब यहाँ हम एक फार्मूला जो है वो होता है वर्क फंक्शन, जिसको हमने यहाँ पर फाई से शो कर रखा है। वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, यहाँ हम न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लैम्डा नॉट रख दें तो इक्वेशन हो जाएगी फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई। अब जो अपने को एग्जाम्पल है उसमें जो जो वैल्यूज़ अपने को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुट करनी है, तो h अपने को याद रहना चाहिए 6.62 × 10^-27 आर्क सेकेंड, c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जो फाई है वर्क फंक्शन ये अपने को 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको अर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2.2 इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 × 10^12 से, तो ये फाई जो है वो अर्ग में आ जाएगा। अब हम सब वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दें तो ये हो गया 6.62 × 10^-27 × 3 × 10^10 डिवाइडेड बाय 2.2 × 1.6 × 10^12। ये इनकी यूनिट्स यहाँ शो कर रखी है, प्लैंक कांस्टेंट की अर्ग सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो ये फाई है वर्क फंक्शन उसको भी हमने अर्ग में यहाँ पर कन्वर्ट करके कर दिया। तो अर्ग कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ से जो यूनिट बचेगी वो सेंटीमीटर होगी, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। इसे अब यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर पावर्स को सॉल्व कर लें तो ऊपर पावर रह जाएगी 10^-17, और नीचे जो पावर है वो है 10^-12। अब 6.62 × 10^3 डिवाइड बाई 2.2 × 1.6 को हम सॉल्व कर लें इस पूरे को, तो ये हो जाएगा 5.642 × 10^-5। अब हम यहाँ पर चेंज ये करें, इस डेसिमल को यहाँ से हटा के हम यहाँ आगे इस पूरे को एक फिगर बना दें 5642, तो ये हो जाएगा × 10^-3, और आगे है 10^-5, तो ये टोटल जो वैल्यू हो गई वो हो गई 10^-8 सेंटीमीटर। 10^-8 सेंटीमीटर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 5642 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से हम किसी मेटल के लिए इस तरह से क्वेश्चन जो बनता है उससे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसी तरह से हम आगे आने वाले वीडियोस में और दूसरे
टॉपिक्स को लेकर उन पर ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।